देखिए एक श्याम भक्त हैं, ये 4000 किलोमीटर की यात्रा करके मनोना धाम पहुंचे हैं, गुरुजी उनको आशीर्वाद दिया है और उनको मदद भी की है और उनको बड़ा हौसला बढ़ाया है, सम्मान किया। आप 4000 किलोमीटर की यात्रा 22 जुलाई से शुरू की थी आपने और आप मनोना धाम पहुंचे, तो आप क्या मनोना धाम आके आपने समाप्त किए, क्या कहेंगे आज बाबा श्याम की यात्रा के बारे में? मनोना धाम आने के ये कहेंगे कि वैसे तो करीब में ये 70 किलोमीटर और ज्यादा दूर का लक्ष्य से रखा मैंने, कुछ ये महसूस हो कहा इतनी 4000 किलोमीटर की यात्रा करने में तब मनोना धाम आए, चाहता तो मैं सीधा अपने यहाँ से पैदल आता, चढ़ के आता, कैसे जाता। मतलब आपने शुरुआत की सार लेके सबका सबकी पॉजिटिव एनर्जी लेके तो मनोना धाम पे आके जी जी मनोना धाम पे आपको कैसा लगा? महन जी आपसे मिले, महन जी ने आपको आशीर्वाद दिया, कैसा लगा? इतना लगा कि जितना मतलब चारों तरफ लक्ष्य यही था कि 4000 किलोमीटर यहाँ आए तो इतना सम्मान मिला, बाकी कहीं ऐसा नहीं मिला। बागेश्वर धाम में पहुंचा तो शायद किस्मत में नहीं था कि महाराज जी नहीं मिले, मैंने धाम ऐसे थे कि महाराज जी उसमें मिलूं, और ऐसे वृंदावन भी मैं 10:30 बजे तक 140 किलोमीटर साइकिल चलाई, जो कि मैं मेहंदीपुर वाला जिसे लक्ष्य लेके चला था कि मैं वहां वृंदावन पहुंचूंगा तो अंदर चाहे महाराज जी के पास आश्रम में मिलूंगा। व्यवस्था ऐसी थी वहां क्योंकि वो यात्रा चल रही थी 84 कोई परिक्रमा, तो यहाँ तो हम जैसे तो बहुत ही थे वहाँ पड़े हुए, सब बाहर ही थे। देखिए आपने जो कहा कि मनोना धाम में हमें बहुत अच्छी व्यवस्था मिली, बहुत अच्छे दर्शन